दोस्तों अभी Realme ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, इसका नाम था Realme 5i। अंडर 10,000 की रुपीज़ में आता है ये स्मार्टफोन, अच्छा स्मार्टफोन है इस टाइम पर। वैसे दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो हमने इस पर एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं Realme 5i के बारे में तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो की तरफ जाने से पहले इस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन अनाउंस कर दिया है जिसका नाम रहने वाला है Realme 6। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। और Realme ने यह भी अनाउंस किया है कि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस रहने वाली है वो 10,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। और 10,000 रुपये में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। मैं दोस्तों आपको सब कुछ बताऊंगा Realme 6 के बारे में इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक उसे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। चल फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे Realme के 6 की डिज़ाइन और डिस्प्ले को लेकर के। तो इस बार यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली हो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली हो। और ये डिस्प्ले कुछ इस बार नई देखने को मिलेगी। इस बार उन्होंने डिस्प्ले में बीच में आपको नॉच दी है। जैसा कि आपको पता है सैमसंग के जो फोन आते हैं वो हाई लेवल के स्मार्टफोन आते हैं, फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन आते हैं, उस टाइप की डिजाइन आपको Realme 6 में देखने को मिलने वाली है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बैक पैनल दोस्तों अभी क्लियर सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों बैक में यहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं। और हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, तो यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और यहां पे फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बैक में भी यहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि Realme के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो बैक और फ्रंट दोनों में ही ग्लास की बॉडी के साथ आते हैं। जो अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके रैम वेरिएंट की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी एक ही वेरिएंट क्लियर हुआ है, 4GB 64GB स्टोरेज के साथ आएगा। और हो सकता है यहाँ पे आपको माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि Realme के जितने भी ज्यादातर फोन आते हैं वहां पे माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अपने मेमोरी के एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को प्रेस करना दोस्तों, ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। 6.4 इंच की आपको यहाँ पे लार्ज डिस्प्ले दी गई है। तो बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे आपको 4200mAh की देखने को मिल जाएगी। 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। और बुक का सुपर फ्लैश चार्जर भी आपको बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा। कितने वॉट का मिलेगा ये अभी तक नहीं कहा गया, लेकिन ये सच है कि आपको यहाँ पे 18 या 20 वॉट का तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि Realme का जो इवेंट हुआ था वहां पे उस टाइम पर उन्होंने बोल दिया था कि Realme के 6 फोन आएंगे उसमें आपको प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस बार इसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके कैमरास के बारे में, तो मैं आपको बता दूं बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। और ज्यादा आपको पता है दोस्तों सारी की सारी कंपनियां हैं वो 4 कैमरे लेकर के तो आई रही है, और 10,000 रुपए के नीचे होता है फोन तो उसमें आपको डेफिनेटली 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर ही देखने को मिलता है, जो कि काफी सारे स्मार्टफोन में देखने को पहले भी मिल चुका है। दोस्तों बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इस बार आपको मैंने बताया बीच में आपको नॉच के साथ कैमरा देखने को मिल रहा है, वो 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा दिखने में अच्छा लगता है। बात करें दोस्तों लॉन्च डेट और प्राइस की, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 10,000 रुपए के आसपास ही रहने वाली है। 10,000 रुपए के आसपास अगर ये आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लेकर के, क्वाड कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का और काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर के साथ आएगा 710 के साथ, तो डेफिनेटली दोस्तों ये बवाल मचाने वाला है। और लॉन्च डेट में आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उन्होंने बोला है कि फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। आएगा दोस्तों तो हम आपको जरूर से इसके बारे में बताएंगे। उसके लिए दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।